हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करिबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चन उपरे, जहा कि आपन एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स, एथरे आम डिस्कशन करिबा डेली करंट अफेयर्स 17 अगस्ट रो, ता सहित किछि जनरल नॉलेज क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, ता सहित किछि ओलंपिक्स जीके क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, ता सहित किछि ओडिशा जीके एंड करंट अफेयर्स डिस्कशन करिबा। एथरे टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जहा के एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबा। ता सहित ए वीडियो टी आप मानकर आरआई ए वीडियो टी आप मानकर आरआई एसआई कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंड ओएसएससी एग्जाम पई मध्ये इंपोर्टेंट रहइबो। तो प्रथम देखने 17 अगस्टर किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स उपर। तो प्रथम क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। तो रिसेंटली भारतीय महिला फुटबॉल टीम रो नुआ हेड कोच किए नियुक्ति पाई। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, थॉमस डेनरबी। थॉमस डेनरबी वर्तमान इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम रो नुआ हेड कोच बा मुख्य कोच। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लाटेस्ट फिफा मेन्स रैंकिंग। तो रिसेंटली फिफा द्वारा मेन्स रैंकिंग आमर फुटबॉल रो मेन्स रैंकिंग जारी करा जायछि, सेतिरे भारत रो रैंक केते, भारतीय टीम रो रैंक केते। तो ये करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी, 105, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान रो प्रथम महिला मुख्य विचारपति किए नियुक्ति हेले, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किए नियुक्ति हेले। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, आयशा मल्लिक। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। आयशा मल्लिक वर्तमान पाकिस्तान रो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई। तो कैसीफाई रो प्रथम ब्रांड एम्बेसडर किए नियुक्ति हेले, कैसीफाई रो प्रथम ब्रांड एम्बेसडर किए नियुक्ति हेले। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव, राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन व्हिच स्टेट वाज द आदिपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आदिपुरम फेस्टिवल को केउ राज्य रे पालन करा जाए। तो ये करेक्ट आंसर जीव आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु रे आदिपुरम फेस्टिवल को पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द ग्रैंड डची ऑफ लक्जमबर्ग। तो रिसेंटली ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द ग्रैंड डची लक्जमबर्ग पुरस्कार रे काहाकू पुरस्कृत करागला। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, रजत डालमिया, रजत डालमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बिकम द 69th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 69तम चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया रो किए बनिले। तो ये आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, हर्षित राजा। हर्षित राजा वर्तमान 69तम इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बनिछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ब्रुस्का बंधन प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली ब्रुस्का बंधन प्रोजेक्ट को क्यों मंत्रालय द्वारा लॉन्च करा जायछि। तो ये करेक्ट आंसर होची आपमनकर ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 17 अगस्टर। तो ये देखने किसी इंपोर्टेंट ओलंपिक करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चन उपर, जहाँ के एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो आउ गोटे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आम डिस्कसन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपमनकर, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड कीर्ति चक्र अवार्ड इन 2021। 2021 आमर जो अगस्ट 15 उत्सव रे प्रधानमंत्री द्वारा बहुत गुड़ा अवार्ड दि जाएगी। तो कीर्ति चक्र अवार्ड रे काहाकू पुरस्कृत करा जाएगी बा किए ग्रहण कले। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, अल्ताफ हुसैन भट्ट। अल्ताफ हुसैन भट्ट जी कि जम्मू काश्मीर बिलंग करछंती, तांकू वर्तमान कीर्ति चक्र अवार्ड रे पुरस्कृत करा जाएगी। तो बर्तमान आम ओलंपिक रो किसी टोकियो ओलंपिक्स किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा, ता सहित किसी ओलंपिक जीके क्वेश्चन डिस्कशन करवा, जहाँ कि आप मानकर पीईटी टीचर एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। पीईटी पिला मानक मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो, आउ अन्य पिला मानक मध्य जीके सेक्शन रे इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखंतु, हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम दिस ईयर मान एई वर्ष बा टोकियो ओलंपिक्स 2020 रे भारतीय भारतीय ओलंपिक टीम रा फ्लैग बियरर बा ध्वज बाहक किए थिले से पचारि छी। तो जदि आपन जानछन कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि जणाइबे आपन केते मार्क रखुचंती। एथरे टोटल 20 क्वेश्चन रही 10टा तो आपन करंट अफेयर्स थिला आपन सेटा आंसर देई पारिबेनी, बाकी जो 20टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करबे तार आंसर आपन आउट ऑफ 20 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे जणाइ पारिबे। तो देखंतु इंडियन ओलंपिक टीम रे 2020 ओलंपिक टोकियो ओलंपिक रा फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी रे हमर ओपनिंग सेरेमनी रही क्लोजिंग सेरेमनी मध्ये रही। तो ओपनिंग सेरेमनी रे किए ध्वज बाहक थिले तो ये आप करेक्ट आंसर हो मेरी कम आउ मनप्रीत सिंह। तो ये आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आमर मेरी कम बॉक्सर ता सहित मनप्रीत सिंह जी के आमर जो मेन्स टीम रो कैप्टन यही दी जन आमर ओपनिंग सेरेमनी रे ध्वज बाहक थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन इज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोकियो ओलंपिक गेम्स 2021। तो 2021 जो आम टोकियो ओलंपिक्स है जापान रे तो तार ओपनिंग सेरेमनी केबे होईची, ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह को तारीख रे हेतिला बा आम जो टोकियो ओलंपिक्स केबे आरंभ हेतिला। तो ये करेक्ट आंसर होची आपमनकर ऑप्शन नंबर ए जुलाई 23 23 जुलाई रे आम टोकियो ओलंपिक्स आरंभ हेतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए मेडल एट द टोकियो ओलंपिक सॉरी एट द ओलंपिक्स। तो कौन कही ना ओलंपिक्स रे मेडल जीति प्रथम एवं केवल भारतीय महिला रेसलर किए, केवल भारतीय महिला रेसलर किए से पचारि। तो ये करेक्ट आंसर हो चार ऑप्शन रही विनेश फोगाट रही साक्षी मल्लिक रही सोनम मल्लिक रही अंशु मल्लिक रही। करेक्ट आंसर हो साक्षी मल्लिक। साक्षी मल्लिक प्रथम एवं भारतीय महिला रेसलर जी की ओलंपिक्स रे मेडल जीति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोकियो ओलंपिक गेम्स 2020। तो टोकियो ओलंपिक्स गेम्स 2020 रे क्वालिफाई करथिबा भारतीय महिला गोल्फर किए। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी आदिति अशोक, आदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडियन वुमेन जिमनास्ट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोकियो ओलंपिक्स 2020। टोकियो ओलंपिक्स 2020 रे महिला जिमनास्ट भाव में भारतीय महिला जिमनास्ट भाव में किए रिप्रेजेंट करुँच। तो ये आपन करेक्ट आंसर हो प्रणति नायक। प्रणति नायक आमर जिमनास्ट हिसाब रे महिला जिमनास्ट हिसाब रे से टोकियो ओलंपिक्स रे रिप्रेजेंट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोकियो ओलंपिक्स 2020। तो टोकियो ओलंपिक गेम्स 2020 रे प्रथम भारतीय फेंसर रूपे किए क्वालिफाई करिसेंती। तो करेक्ट आंसर इज बापमनर ऑप्शन नंबर बी भवानी देवी, भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ए सिंगल ओलंपिक्स। तो गोटे सिंगल ओलंपिक्स रे बा गोटे ओलंपिक्स रे व्यक्तिगत वर्ग रे सबुठार अधिक गोल्ड मेडल किए जीति। तो ये करेक्ट आंसर होची माइकेल फिलिप्स। माइकेल फिलिप्स गोटे से ओलंपिक रे से 8टी गोल्ड मेडल जीति, 8टी गोल्ड मेडल जीति माइकेल फेल्प्स। माइकेल फेल्प्स होचुन्ती से ऑस्ट्रेलिया रो बिलोंग करचुन्ती। तो से स्विमिंग रे अधिका मात्रा रे गोल्ड मेडल जीति थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड। तो आमर जो मॉडर्न ओलंपिक गेम सर्वप्रथम को वर्ष आरंभ होता से पचारि। तो ये आपनकर चार ऑप्शन रही ऑप्शन देखुए मुझे करेक्ट आंसर कही रखुच्छी आमर प्रथम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आरंभ होता 1896 रे 1896 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो आमर जो मॉडर्न ओलंपिक रही तार जनक किए एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहा आपने जीके सेक्शन रे क्वेश्चन रहा सहित पीटी पिला माने खास कर रखुच पीटी पिला माने ओलंपिक्स आपने सिलेबस रही ओलंपिक्स क्वेश्चन आसो सहित एशियन गेम्स क्वेश्चन आसो। तो ये आपको मुझे कही रखुच्छी जे आमर मॉडर्न ओलंपिक्स फादर होचुन्ती पियर डे कुबर्टिन होजंती फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग डिड बजरंग पुनिया ओन द ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 रे भारत तरफ बजरंग पुनिया रेसलर बजरंग पुनिया ब्रोंज मेडल जीति। तो से केते केजी कैटेगरी रे से एई ब्रोंज मेडल जीति से पचारि। तो ये आपमनकर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मेन्स फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी रे से ब्रोंज मेडल जीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु विल बी फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 रे हमर भारत तरफ रु क्लोजिंग सेरेमनी रे किए ध्वजवाहक थिले। ये हेबे या आगुरी मुझे बनई क्वेश्चनटा से बिल भी लिखी बर्तमान तो कम्प्लीट हो जाइए। तो बर्तमान किए थिले से पचारुछि। तो ये आप करेक्ट आंसर हो बजरंग पुनिया रेसलर बजरंग पुनिया ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स 2020 रो क्लोजिंग सेरेमनी रो ध्वजवाहक थिले। ओपनिंग रे के थिले मनप्रीत सिंह आउ एमसी मैरी कॉम। आ क्लोजिंग सेरेमनी रे बजरंग पुनिया एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द लीडर ऑफ पाइकर रेबेलियन। हमर ओडिशा जीके ऊपर किसी डिस्कशन करियो ओडिशा हिस्ट्री ऊपर। तो पाइकर रेबेलियन रो लीडर किए थिले? बक्सी जगबंधु, जगन्नाथ संधु, ना झिंद्राई मांकी, ना अब्दुल वहाब। तो देखो पाइकर रेबेलियन रो लीडर थिले बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर। आमर निम्नलिखित मध्य कौटा गोटे प्रथम ओडिया न्यूज़पेपर से पचारिछि? समय, प्रमेय, उत्कल समाचार, उत्कल दीपिका। तो ये करेक्ट आंसर होछि उत्कल दीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज फेलिसिएटेड एज भूमिपुत्र बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट। तो इंडोनेशिया सरकार द्वारा क्या भूमिपुत्र हिसाब रे सम्मानित तो करा जायछि? एठी रही बिजू पटनायक, गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, ना नवीन पटनायक। तो भूमिपुत्र भाव में सम्मानित तो करा जायछि बिजू पटनायक। इंडोनेशिया सरकार द्वारा भूमिपुत्र इंडोनेशिया भूमिपुत्र हिसाब रे सम्मानित तो करा जायछि काहाकू ना बिजू पटनायक को। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो कहीं आपर यही वर्ष इंडियन हिस्ट्री सहित ओडिशा हिस्ट्री की मध्य जोड़ा जाइए। ओडिशा करंट अफेयर्स यही वर्ष आपर सिलेबस रे नुआ एड होती। तो आप ओडिशा हिस्ट्री और ओडिशा जीके उपर ओडिशा करंट अफेयर्स उपर आपने निहत भावे इंपोर्टेंस देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। हमर सिमिलीपाल नेशनल पार्कटा ओडिशार केउं जिल्लारे अवस्थित तो ये केउंझर रही, रायगड़ा रही, मयूरभंज रही, बालेश्वर रही। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मयूरभंज जिले में सिमिलीपाल नेशनल पार्क अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। तो महानदी सबुठारु लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किए से पचारिछि? जोंक, हसदो, स्योनाथ, ना खरकाई। तो ये आपमन करेक्ट आंसर हो स्योनाथ हो महानदी गोटाए सबुठारु लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ओडिशार सबुठारु अधिक समय चीफ मिनिस्टर किए अछंती? तो ये नवीन रही नवीन पटनायक, हरिकृष्ण महताब, बिजू पटनायक, जानकी बल्ल पटनायक। तो सबुठारु अधिक वर्ष मुख्यमंत्री भाव कार्य करसंती किए ना नवीन पटनायक। वर्तमान सुधा से अछंती चीफ मिनिस्टर। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज करेंट चेयरमैन ऑफ ओपीएससी। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो वर्तमान चेयरमैन किए अछंती? एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो कहिना ओडिशा करंट अफेयर्स मध्ये आपमनकर एग्जाम रे आसीबो। तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो वर्तमान नुआ चेयरमैन अछंती सत्यजित महांती। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा। ओडिशार मुख्य न्यायाधीश किए अछंती वर्तमान किए अछंती तो ये आप गणेशीलाल अच्छी मुरलीधर अच्छी मोहम्मद रफिक अच्छी सुरेश चंद्र महापात्र अच्छी तो ये मुझे करेक्ट आंसर कही रखुच्छी एस मुरलीधर जस्टिस एस मुरलीधर वर्तमान ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य न्यायाधीश अछंती आउ गणेशलाल बर्तमान आमर गवर्नर अच्छा ओडिशार गवर्नर आ सहित मोहम्मद रफिक बर्तमान से कोठी ना मध्यप्रदेश चीफ जस्टिस अच्छा आउ सुरेश चंद्र महापात्र बर्तमान आमर चीफ सेक्रेटरी अच्छा ओडिशार चीफ सेक्रेटरी अच्छा मुख्य शासन सचिव बर्तमान अच्छा सुरेश चंद्र महापात्र एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम तो आसाम रो नुआ मुख्यमंत्री किए नियुक्ति होइछन्ती त आपण मानकर ओडिसा पर आसीबो स्टेट आ नेशनल इंटरनेशनल लेवल रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो तो हमर किछि नुआ मुख्यमंत्री नियुक्ति होइछन्ती तो मु कहि रखुछि एटी आसाम रो नुआ मुख्यमंत्री किए हेले तो आसाम रो नुआ मुख्यमंत्री होछन्ती आपण मानकर हिमंत विश्व शर्मा वर्तमान आसाम रो नुआ मुख्यमंत्री आ एमके स्टालिन आपन देखुछन्ती ये होछन्ती तमिलनाडुर नुआ मुख्यमंत्री आउ ममता बनार्जी वेस्ट बेंगल रो मुख्यमंत्री आउ एन रंगास्वामी पुडुचेरी रो नुआ मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 तो 2020 वर्ष पाई कहा को गांधी पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार रे सम्मानित करा गला तो ये आप करेक्ट आंसर कौन हम देखते ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शेख मुजिबुर रहमान जी की बांग्लादेश रु बिलोंग करछी 2020 रो गांधी पीस प्राइज रे सम्मानित करागला। तो फ्रेंड्स ए थिला आज टोटल 30 क्वेश्चन तो आप आउट ऑफ 30 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहत भावे जणाई पारे। तो फ्रेंड्स जब वीडियो भल लगुए ताहले निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिकरु अधिका मात्रा कृपया सांगसाथी मानू शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।